हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास ट्वेल्थ में अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी मैंने स्टार्ट किया था और उसका एक लेक्चर हो चुका है। मैंने उसके कॉन्सेप्ट को सीखा था और हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक की प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, ठीक है, डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 है, एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 10 बेटा क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ना है। कह रहा है कि अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड एलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट 2 cm/s एंड हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग वेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 meters अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जैसे मान लो ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है और ये क्या है, दिस इज द लैडर, दिस इज द लैडर, ये आपको क्या कह बेटा, दिस इज द लैडर। अब एक्चुअल में क्या इन्होंने कहा कि अगर जो लैडर की लेंथ है ये 5 meters है, ठीक है, दिस इज द 5 meters, दिस इज द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर इज लेंथ इज 5 meters, ये बेटा 5 meters है। और अगर हम बात करें ये कह रहा है कि ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे था, दिस इज द 4 meters, ओके, ये स्टार्टिंग की बात हो रही है। एक्चुअल में किसी भी एट अ टाइम पे अगर ये लैडर, लैडर की लेंथ तो चेंज होगी नहीं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे ये 5 meters था और यहाँ से क्या है, दिस इज द 4 meters, ओके। तो अब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, समझिएगा बात को, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगा कि मान लो एट एनी टाइम अगर बात करते हैं, एट एनी टाइम, ठीक है, ये लेंथ ऑफ, दिस इज द लेंथ ऑफ द लेटर, ये तो ऑलवेज फिक्स रहेगा, मतलब 5 meters किसी भी पर्टिकुलर टाइम में। मान लो ये वॉल है और वॉल के बेस से सपोज दैट दिस इज द एक्स मीटर एंड दिस इज द वाई मीटर, किसी भी टाइम पे ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो आपने कहा सर अगर किसी भी टाइम में अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, ये क्या बनाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज 5 का स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है कि अ लैडर ऑफ लेंथ 5 meters लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड एंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट 2 cm/s। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको, इस लैडर को पुल किया जा रहा है, जैसे इस लैडर को अगर आप पुल करोगे किसी भी टाइम में मान लो, तो पुल करके क्या है, जब यहाँ से इसको पुल करोगे तो मान लो यहाँ से इसका टॉप वाला सीधा यहाँ पे आ जाएगा और जो बॉटम वाला है यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, और जो यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो अब जैसे आपको मैंने बताया था कि जो चीज़ पर्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो वहाँ पे उसका डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो डिक्रीज कर रही है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहाँ पे, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने ए बी कैलकुलेट किया है, अगर आपने लेट किया है कि ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर है ना, और वर्टिकल डिस्टेंस एट एनी टाइम पे बी सी इज इक्वल टू क्या, वाई मीटर, तो यहाँ से आप कह सकते हो, वी कैन से दैट डी एक्स अपॉन डी टी कितना है बेटा, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 cm/s है, 2 cm/s है, ओके। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या, 2 cm/s है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसी भी टाइम में जो इंक्रीज कर रहा है वो इस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे जो डिक्रीज कर रहा है वो हमको नहीं पता है, वो आपको कैलकुलेट करना है, डी वाई अपॉन डी डी टी क्या करना है, दिस इज द कैलकुलेशन इसकी करना है, ओके। इसकी हमको क्या करना है बेटा, इसकी कैलकुलेशन करना है। तो अब देखिए क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हैं, पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखना है कि अगर मान लो किसी भी टाइम पे ये बोला है कि यहाँ से ये 5 था ये 4 था, तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से 3 meters तो आ ही जाएगी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मेन इक्वेशन आपकी बन रही है, किसी भी एट एनी टाइम पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर,
तो अगर हम लोग इसका यूज कर लें, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसका यूज कर लूँ, यूज करने मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा, फाइव का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा, अगर इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टू एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस का टू वाई डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉस टेन का क्या होगा, दैट इज ज़ीरो, ठीक है, दैट इज क्या होगा, ज़ीरो। अब आप ये बताइए डी एक्स अपॉन टू एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस टू वाई डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहो तो आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू डी एक्स डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस का टू वाई डी वाई अपॉन में डी टी, टू से टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप y इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हो, dy वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या जाएगा, दैट इज माइनस का x dx अपॉन में dt टी अपॉन में क्या हो जाएगा, दैट इज y, ओके okay? तो आपको ये पता था कि एट एनी इंस्टेंट जैसे यहाँ से एट एनी इंस्टेंट मान लो इन्होंने बताया था कि अगर लेटर की लेंथ मान लो 5 मीटर है, ये ग्राउंड से कितने मीटर दूरी पे है, 4 मीटर दूरी पे है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करेगा और आपको पता है ये कितना आएगा, 3 मीटर आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 3 मीटर आ जाएगी। अगर इसको अननोन लेट कर लेते हो मान लो, तो यहाँ से आर क्यू की जो लेंथ आएगी ये आर क्यू इज इक्वल टू रूट में 5 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 माइनस का 16 दैट इज 9, तो 9 का स्क्वायर रूट बेटा क्या होगा, 3, आर क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 मीटर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालोगे, वर्टिकल हाइट किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या है, किसी टाइम पर अगर ये 4 है और y की वैल्यू क्या है, दैट इज 3, तो डी एक्स अपॉन डी टी किस रेट से चेंज हो रहा था, 2 सेंटीमीटर, तो ये माइनस का बाहर लगा हुआ है, यहाँ पे आएगा माइनस का, मतलब माइनस साइन तो लगा हुआ है, और डी एक्स अपॉन डी टी क्या रखोगे, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से कितना जाएगा, दैट इज माइनस का 8 अपॉन में 3, तो ये आएगा कितना, 3 2 6, और फिर कितना बचेगा, अरे डिवाइड कर लो भाई, 3 को डिवाइड कर दिया, ठीक है, 3 से डिवाइड कर दिया 8 को, कितना जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा बेटा, 2 बचेगा, 3 6 18 और 3 6 18 ऐसे चलता रहेगा एंड सो ऑन। तो माइनस का क्या आएगा, माइनस का 2.66 आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, और ये आपका जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो वर्टिकल हाइट है वो डिक्रीज हो रहा है, माइनस टू मतलब माइनस 2.66 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन इम्प्लाइज दैट हाइट ऑफ द वॉल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लैडर, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन इम्प्लाइज दैट हाइट ऑफ द लैडर हाइट ऑफ द लैडर ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, ठीक है, इज डिक्रीजिंग, ओके। तो नेगेटिव साइन आपका यहाँ पे ये शो कर रहा है, बात समझ में है कि नहीं, यस और नो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको बस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, और क्वेश्चन को रीड करने के बाद बस उसको इजीली सॉल्व कर लेना है, ठीक है, क्लियर है बात, कंफर्म, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, कोई भी पार्टिकल है वो मूव कर रहा है किसी भी कर्व, कैसा है, 6y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस का 2, दिस इज द कर्व, सॉरी 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 2, इस कर्व के अलॉन्ग एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एक्स, वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times एज फास्ट एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये इस कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ये बात सही है अपनी जगह पे, लेकिन क्वेश्चन गिवन क्या है, जो गिवन इंफॉर्मेशन लिखी है, कह रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, मतलब डी वाई अपॉन डी टी, वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times किसके, 8 times एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है उसका 8 times फास्ट चेंज हो रहा है, ये क्वेश्चन दे रखा है। फिर एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अ पार्टिकल मूव अलॉन्ग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है जिस रेशियो से चेंज हो रहा है, जिस रेट से चेंज हो रहा है उसका वो क्या है, वाई वाला कोऑर्डिनेट 8 times चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो गई, अगर इसको थोड़ा सा ये अरेंज कर लेते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dt हो जाएगा, और अपॉन में क्या जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज 8। तो यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिख लो तो dy अपॉन dt into dt अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज 8 आ जाएगा। इसको इससे कैंसिल कर सकते हो, तो फाइनली यहाँ से क्या आएगा निकल के, ये आपका जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज 8। मतलब ये है कि इस वाले का जो डिफरेंशिएशन है वो 8 के इक्वल है, मतलब ये कह सकते हो कि 6 into dy/dx, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, y, इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो क्या आएगा, 6 dy/dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दैट इज 3x² और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 × 2 = 6, तो यहाँ से क्या जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू x² / 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो dy/dx है वो आपको कितना है, x² / 2 इज इक्वल टू कितना है, 8। तो x² = 16, तो x = क्या आएगा बेटा, ±4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±4। अब अगर x की वैल्यू ±4 है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू ±4 है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलो, x की वैल्यू अगर ±4 है तो हमको यहाँ पे क्या निकालना था, आप पार्टिकल मूव अलॉन्ग दिस कर्व फाइंड द पॉइंट। तो x की वैल्यू अगर 4 रखोगे प्लस की तो यहाँ से y क्या आएगा, भाई आपके पास जो कर्व दिया हुआ है उसी में तो वैल्यू पुट अप करना है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, जो हमारे पास कर्व है 6y = x³+2, तो पुट x = 4, तो यहाँ पे क्या जाएगा, x = 4 रखेंगे तो 6y = 4³+2, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, प्लस का 2 कितना आएगा, 66 आ जाएगा। तो यहाँ से y = 66/6, तो दैट इज 3 एंड यहाँ पे नहीं 11 जा कट जाएगा, ठीक है। तो 6 11 जा कितना होगा, 6 11 जा, तो 6 11 जा पूरा कैंसिल हो जाएगा, दैट इज दिस, तो y = क्या आएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक पॉइंट आ गया आपका 4, 11 आ गया, एक पॉइंट क्या आ गया, दैट इज 4, 11 आ गया। अब अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट हमने पुटअप किया x = -4, अगर हमने x = -4 पुटअप किया तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर 6y = -4³+2, तो -4³ क्या होगा, -64+2, दैट इज 6y, तो y = क्या आएगा, -62/6, तो 2 × 3 = 6 एंड 2 × 3 = 6, 2 × 2, तो दैट इज y = क्या आ गया, -31/3, ठीक है, -31/3। तो अदर पॉइंट क्या आ जाएगा, -4 पुटअप करने पे -31/3 आंसर आ रहा है, ओके। तो हमारा एक पॉइंट क्या आया,
4, 11 ये आ गया, और सेकेंड पॉइंट क्या आया, माइनस का 4, -31/3। कन्फर्म है कि नहीं, यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ था आपको समझ में आ रही थी बात के सर? यहाँ पे देखो बस ये दे रखा था कि जो हमारा कोई पार्टिकल है किसको फॉलो कर रहा है, एक पार्टिकल किसको फॉलो कर रहा है, इस कर्व को फॉलो कर रहा है। ठीक है, 6y = x³+2 इसको फॉलो कर रहा है, इस बात को फॉलो कर रहा है, और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वो 8 × x कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे इसको अगर हम लोग थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो आपको पहले से पता भी है कि पैरामेट्रिक फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। dy/dx को हम लोग dy/dt लिखते थे, तो ये dy/dx के इक्वल हो जाएगा, और फिर सिंपल सा हमने यहाँ पे क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, और यहाँ से डिफ्रेंशिएट करने के बाद इक्वेट कर दिया तो हमारी x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू जब आ गई तो कर्व में पुटअप करने पर वाई की वैल्यू आ गई। ओके, बात क्लियर कि नहीं? यस आर नो? ठीक है, तो ये आपके दो पॉइंट यहाँ से सामने निकल के आ जाएंगे। ठीक है, कंफर्म? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखिए जरा ध्यान से बेटा। कह रहा है कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 cm/s। जो रेडियस है किसी भी बबल की वो इंक्रीज हो रही है, मतलब dr/dt कितना दे रखा है, दैट इज़ 1/2 cm/s एट व्हाट रेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ द बबल इज 1। तो अगर r = 1 cm दे रखा है, जैसे ये बबल है मान लो, ठीक है, अगर इसकी रेडियस मान लो कितनी है, दैट इज़ की रेडियस मान लो 1 है, ठीक है, और आपसे ये पूछा है कि अगर रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में 1/2 cm/s इंक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम किस रेशियो में इंक्रीज, dv/dt की बात करना है, dv/dt में क्या सिचुएशंस होगी, तो dv/dt की अगर बात करना है तो आपको पता है कि सर अगर बबल की बात करते हैं तो ये स्फेरिकल फॉर्म में होता है, और स्फीयर का वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये शायद 4/3 πr³ होता है, कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता है, वॉल्यूम ऑफ द बबल क्या जाएगा 4/3 πr³ हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ से अगर आप dv/dt निकालोगे, dv/dt क्या निकालोगे, dt, तो 4/3 और ये आपका जाएगा 3r² और dr/dt, तो यहाँ से क्या आएगा 4/3 और 3r² r की वैल्यू क्या है 1² dr/dt की वैल्यू क्या है बेटा, दैट इज़ 1/2। फाइनली कितना आ जाएगा आपको पता है, आफ्टर कैलकुलेशन जो भी आंसर होगा वही आपका फाइनल होगा। ठीक है, dv/dt कितना आ जाएगा, दैट इज़ 3 से 3 कैंसिल हो गया, ओके, और 2 × 2 = 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 × 2 = 4, तो आपका जाएगा 2, और यूनिट क्या होगा, cm³/s आ जाएगा। बोलो यस आर नो, cm³/s आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे उसको डेटा को लिख लिया, उसके बाद डेटा को लिखने के बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, अब पाई तो बेटा रहेगा ना, 4/3 πr होता है ना, पाई तो आपने भूल गए, पाई सर पाई तो गया, तो पाई लिख दो भैया, तो यहाँ से क्या जाएगा, पाई आएगा ना, 2π cm³/s, दिस इज़ द चेंज ऑफ द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, 4/3 फार्मूला है, यहाँ पे पाई मैंने लिखा था, यहाँ पे मिस हो गया था। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर यहाँ पे dr/dt की वैल्यू दे रखी है, r = 1 cm गिवेन है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वॉल्यूम अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो कैसे चेंज हो रहा है, हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा और हमारा आंसर आ गया। ओके, क्लियर है बात कि नहीं? यस आर नो? कन्फर्म? चलो ठीक है, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, और बेसिक चीज़ें हैं, इतना कुछ स्टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर बेटा 13 देखिए, 13 में क्या है कि अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर, किसी बैलून का जो डायमीटर है ना, डायमीटर ऑफ द बैलून, डायमीटर ऑफ द बैलून इज इक्वल टू हाउ मच, 3/2 2x+1, ये डायमीटर हो गया। अब कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, अगर आप बात करते हैं वॉल्यूम का फार्मूले पे, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, कन्फर्म। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, डायमीटर। तो यहाँ से रेडियस क्या आएगा, आर इज इक्वल टू क्या आएगा, इस पर्टिकुलर डायमीटर का क्या कर दो, हाफ कर दो सर, रेडियस आ जाएगा। तो हमने हाफ कर दिया, और हाफ करने पे रिजल्ट क्या आया, 3/4 2x प्लस का 1 आ गया, 2x प्लस क्या आया 1। तो रेडियस क्या आ जाएगा, 2x प्लस का 1 आ गया, ठीक है। तो दिस इज द रेडियस ऑफ द बैलून। अब देखो यहाँ पे तो रेडियस की वैल्यू पुट अप करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, 4/3 पाई पाई रहेगा, आर की वैल्यू क्या रखा, 3/4 ये क्या है, 2x+1 का होल क्यूब है, यस आर नो। अब इसका क्यूब तो करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 4/3 पाई, और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9, 9 3 27, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जाएगा 2x+1 का होल क्यूब आ जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए, तो आप कर लीजिए, 3 9 कितना होगा, 3 9 27, और 4 16 कितना होगा, 64। तो यहाँ पे जो टर्म बचेगा उसको आप लिख लीजिए, क्या बचेगा बेटा, यहाँ से वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई ये आ जाएगा, और ये यहाँ से बेटा 9 आएगा, अपॉन में कितना, 16 आएगा, और ये आपका जाएगा 2x+1 का होल स्क्वायर, 2x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2x+1 का होल स्क्वायर आ गया, सॉरी 2x+1 का होल क्यूब आ गया। अब ये हमारा वॉल्यूम आया है, और ये कह रहा है कि जो वॉल्यूम है एक्स के रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा दैट इज dv/dx की बात कर रहा है, dv/dx की बात कर रहा है। तो यहाँ से dv/dx क्या आ जाएगा, दैट इज dv/dx इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 9 pi upon 16। और ये क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद अकॉर्डिंग टू चेन रूल एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन, दैट इज क्या आता है, एन एक्स की पावर एन माइनस का 1। तो यहाँ से आएगा 3x मतलब 2x+1 का होल स्क्वायर, और इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना जाएगा, दैट इज 2 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कितना जाएगा, कुछ कैंसिल होगा, यस सर, 2 से ये 2 8 16 आ जाएगा, तो 9 3 27, तो 27 pi/8 2x+1 का होल स्क्वायर, 2x+1 का होल स्क्वायर, 27 pi/8 होल स्क्वायर। तो ये वॉल्यूम में चेंजेस होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर है बात कि नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे डायमीटर दे रखा था, डायमीटर से हमने रेडियस निकाल लिया, और रेडियस जब निकाली तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आर की वैल्यू रख दी, और एक्चुअल में यहाँ पे वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा बात क्लियर है कि नहीं, यस आर नो, कन्फर्म है, ओके। बहुत ईजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था, एक्चुअल में यहाँ पे वी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का कह रहा है, समझिएगा अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सैंड इज पावरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm³/s, ठीक है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, ठीक है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग when the height इज 4 cm। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है, कह रहे हैं मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि साउंड इज पावरिंग फ्रॉम अ पाइप, किसी पाइप से अगर मान लीजिए यहाँ से सैंड को गिराया जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ से किसी सैंड से गिराया जा रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ये एक कोन टाइप का बना दे रहा है, ठीक है, ये क्या बना रहा है, कोन टाइप का यहाँ से बना ले रहा है, ओके। तो कोन की हाइट है और क्या है, रेडियस है। अगर लेट कर लिया, कोन की हाइट क्या है, अगर लेट बी रेडियस, रेडियस कितना है आर, हाइट कितना है, हाइट एच है, तो
रेडियस आर है और हाइट एच है। तो यहाँ पे अब जो क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, सेंड इज पावरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब डी वी अपॉन डी टी दे रखा है, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है कि द फॉलिंग सेंड फ्रॉम अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 हाइट ऑफ द कोन। और ये भी कह रहा है कि जो हाइट है, हाइट ऑफ द कोन क्या दे रखा है, हाइट ऑफ द कोन आर अपॉन 6 दे रखा है, ये भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। ओके, और फिर इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है, हाइट ऑफ द कोन इज दिस एंड सच वे हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सेंड कोन इंक्रीजिंग, मतलब आपको कैलकुलेट करना है डी एच अपॉन में डी टी, दैट इज क्वेश्चन मार्क। अच्छा, और आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, वेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, जबकि कोन की हाइट स्टार्टिंग में कितनी हो, 4 सेंटीमीटर हो। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब आप क्या करो, यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है और आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है डी एच अपॉन डी टी। तो आपको याद होगा वॉल्यूम ऑफ द कोन का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ द कोन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 πr² h। क्या यहाँ पे r का कोई काम है, क्या यहाँ पे r का कोई काम है, आपने कहा सर बिल्कुल कोई काम नहीं, r की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, दैट इज h इज इक्वल टू r अपॉन 6, तो r इज इक्वल टू 6h, तो यहाँ से क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 πr, r की वैल्यू क्या आएगी 6h का होल स्क्वायर इंटू h आ जाएगा। इसको और हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो बेटा क्या करना है, v इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/3 πr आ गया, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36h² × h आ गया। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो कितना जाएगा 12πh³ आएगा, 12πh³, ये अभी वॉल्यूम आ गया बेटा, दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द क्या जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ द कोन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डी वी अपॉन डी टी करना है। तो यहाँ पे 12π कॉन्स्टेंट है, h³ का 3h² हो गया और डी एच अपॉन डी टी हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको गिवेन है, जैसे दैट इज डी वी अपॉन डी टी कितना दे रखा था 12, ठीक है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये 12π है और 3 आपने देखा कि h की वैल्यू 4 दे रखी थी, है ना, h की वैल्यू कितनी दे रखी थी 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया और डी एच अपॉन क्या हो गया, दैट इज़ डी टी हो गया। तो यहाँ से बिठा के 12 से 12 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ से क्या जाएगा 1 = यहाँ पे आएगा आपका पाई इंटू 3, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और डी एच अपॉन में डी टी, तो डी एच अपॉन में डी टी कितना जाएगा, ये 1/48 πr, यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर, या यहाँ पे डायमेंशन, हाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, बस ऐसे आंसर छोड़ दो, मतलब डी एच अपॉन डी टी क्या जाएगा, डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/48 πr सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इस हाइट से को इस मतलब इस कोन की जो हाइट होगी इस रेशियो से क्या होगी, चेंज होगी, इस हाइट से इंक्रीज करेगी, मतलब 1/48 πr सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ओके बेटा, बात क्लियर है कि नहीं, यस आर नो, कंफर्म, ठीक है, ओके। तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी हमने उसी का यूज़ किया और यूज़ करने के बाद हमने यहाँ पे वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, क्लियर है बात कि नहीं, यस आर नो, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको अच्छे से समझिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन है 15 क्या कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट एक्स एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाई, यहाँ पे देखो यहाँ पे सी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है, क्या है 0.007 एक्स क्यूब माइनस का 0.003 एक्स स्क्वायर
प्लस का 15x, प्लस का 15x और प्लस का कितना है 400। ठीक है, ये अब यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट आर प्रोड्यूस, मतलब कि यहाँ से आपको बताना है फाइंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट बताना है व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, व्हेन एक्स इक्वल टू, ये भी कह सकते हो कि एक्स इक्वल टू 17 यूनिट जब प्रोड्यूस हो रहा हो। ठीक है, क्लियर है बात कि नहीं? तो देखो यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला होता है, जो यहाँ पे सी एक्स दे रखा होता है, समझिएगा बात को, जो मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला है ना, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। मार्जिनल कॉस्ट जो होगा, जो यहाँ पे आपको सी एक्स में दे रखा, टोटल जो कॉस्ट दे रखा है, जो उसका चेंज होता है, मतलब डी सी अपॉन डी एक्स। ठीक है, DC/DX, और यहाँ पे आपको DC/DX करना है, मतलब DCx/DX कैलकुलेट करिए, मतलब 0.007 इंटू 3x² माइनस का 0.003 माइनस का 0.003 इंटू x² का डेरिवेटिव क्या होगा, x² का डेरिवेटिव आपका हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज 2x आ जाएगा, प्लस का 15 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, कॉस टेन का क्या हो जाएगा, दैट इज 0। और यहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट अप कर दो, 17, x के प्लेस पे क्या पुट अप कर दो 17, तो आपका जो भी फाइनल आंसर आना होगा वो आपका आफ्टर कैलकुलेशन आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे x इक्वल टू 17 पुट अप करोगे तो मार्जिनल कास्ट टोटल आ जाएगी, मार्जिनल कास्ट इज इक्वल टू आ जाएगी आपकी 20.97 रुपीज़ आ जाएगी। ठीक है, बहुत ईजी होता है, जो मार्जिनल कास्ट होता है यहाँ पे, जो आपको टोटल कास्ट दे रखा है उसको उसी के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है बात कि नहीं, कन्फर्म? क्वेश्चन नंबर देखिए, जैसे 16 दे रखा है, 16 में क्या कह रहा है, टोटल रिवेन्यू आर एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, आर एक्स इज इक्वल टू गिवन दैट 13x² प्लस का 26x एंड प्लस का 15, ये दे रखा है। वो आपसे कह रहा है कि मार्जिनल रिवेन्यू, जो मार्जिनल रिवेन्यू होता है, मार्जिनल रिवेन्यू की बात कर रहा है। ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू है ना, ये क्या होता है, जो डी आर एक्स होता है, ठीक है, इसी का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, और x इक्वल टू इन्होंने बोला है 7। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपको दे रखा है, जो टोटल रिवेन्यू दे रखा है, ये टोटल रिवेन्यू है, तो टोटल रिवेन्यू दे रखा है, तो आपसे मार्जिनल रिवेन्यू पूछ रहा है, तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, डी आर अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से अगर आप इसको डी आर अपॉन डी एक्स अगर करते भी हो तो कितना आएगा, 13 × 2x प्लस का 26। ओके, और यहाँ पे पुट कर दो एक्स इक्वल टू 7, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या रख दो 7, मतलब 2 × 7 और प्लस का कितना 26। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कुल मिलाकर कितना आएगा, 208 रुपीज़ आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से आपको निकालना था मार्जिनल रिवेन्यू, तो आप यहाँ पे क्या किया, टोटल रिवेन्यू को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, और जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है एक्स को उससे पुट अप कर दिया। ठीक है, क्लियर है बात कि नहीं, यस आर नो? ठीक है, कन्फर्म? तो इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके,